दोस्तों अभी तक हम लोग सिर्फ देख रहे थे पबजी फॉर पीसी, पबजी फॉर मोबाइल, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज 4 जुलाई 2019 को रिलीज हो चुकी है पबजी लाइट फॉर पीसी, यानी कि लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पबजी लाइट वर्जन जो है बेटा टेस्ट वर्जन जो कि आज अवेलेबल हो गया इंडिया में, यानी कि लॉन्च कर दिया गया इंडिया में। अब हम अपने पीसी में पबजी लाइट बेटा वर्जन को खेल सकते हैं। और बिल्कुल मैं आप लोगों को खेल के तो नहीं बताने वाला, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है और क्या स्पेसिफिकेशन आपके पीसी में होने चाहिए। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ आए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन और आप देख रहे हैं बिग टेक्निकल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि यार पबजी लाइट फॉर पीसी आप लोगों को अपने पीसी में डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग डाउनलोड करें खुद, तो दोस्तों आप कोई भी अपना सर्च इंजन खोलो, यानी कि गूगल, मोज़िला, फायरफॉक्स या कोई भी खोलो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने मान लो क्रोम खोल लिया, ठीक है। क्रोम पे आप लोगों को गूगल खोलना है और गूगल पे आप लोगों को वहां पर सर्च करना है light.pubg.com। तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पे ये, तो सबसे फर्स्ट लिंक, पहला लिंक जो आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है कि हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो डाउनलोड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा PUBG Lite, ठीक है। PUBG Lite गेम को डाउनलोड करने का दोस्तों यही तरीका, एक ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि PUBG Lite जो है इंडिया में ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो यार कि आप लाइव देखना चाहते हो कि PUBG Lite के ग्राफिक्स कैसे हैं, तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब पे यार डाल सकते हो कि PUBG Lite लाइव स्ट्रीमिंग, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उन वीडियो में से कोई भी वीडियो देख लेना। तो दोस्तों लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव करके नहीं दिखाने वाला, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस गेम से रिलेटेड। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि इस गेम को सबसे पहले कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस PUBG Lite फॉर पीसी या फिर PUBG Lite फॉर मोबाइल सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था ब्राजील में, जापान, टर्की एंड थाईलैंड, इन चार कंट्री में, और फिलीपींस और भी कुछ कुछ कंट्री है जहां पे पहले इन सारी गेम लाइट वर्जन को लॉन्च किया गया था। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है PUBG Lite फॉर पीसी डिक्लेयर यानी कि रिलीज कर दी गई है इंडिया में, ठीक है। बिना किसी वीपीएन को यूज करके आप लोग इस गेम को खेल सकते हो PUBG Lite फॉर पीसी को, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि PUBG Lite फॉर मोबाइल या फिर एंड्रॉइड में हम खेले PUBG Lite कैसे खेल पाए हम, ठीक है, और कैसे डाउनलोड करें क्योंकि प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है ही नहीं, तो दोस्तों वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि PUBG Lite अगर आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, उसके ग्राफिक्स कैसे हैं, उसके कैसे कैसे मैप्स हैं। तो दोस्तों ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आइए अब जान लेते हैं हम PUBG Lite फॉर पीसी के बारे में और कुछ थोड़ी अमेजिंग चीजें। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर PUBG Lite जो है उसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपके पीसी में जो विंडो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7, 8 या फिर 10, ठीक है। और वो जो भी विंडोज होगी वो होनी चाहिए 64 बिट की, तभी ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। और सीपीयू जो होना चाहिए आप लोगों का वो होना चाहिए कोर i3 प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, और रैम मिनिमम आप लोगों के पीसी में होनी चाहिए 4GB रैम, ठीक है। और जीपीयू यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्स, और बाकी आप लोग देख सकते हैं कुछ ग्राफिक कार्ड वगैरह दिया हुआ है, और HDD 4GB मिनिमम रिक्वायरमेंट ये मांगता है ये गेम, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो दोस्तों ये सब हो गए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अच्छे ग्राफिक्स में गेम खेलना चाहते हो तो आप लोगों के पास मैक्सिमम आप लोगों के पास अगर ये इतने ग्राफिक्स, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम और इतनी रैम अगर आपके पीसी में हुई तो आपकी जो गेम की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी, एक्सपीरियंस विल बी वेरी बेटर। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा करना है, गेम प्ले आप लोगों को अच्छे ग्राफिक्स पे खेलना है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों के पास होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज 7, 8, 10 64 बिट सेम है, और सीपीयू जो होना चाहिए आप लोगों का मिनिमम कोर i5 प्रोसेसर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। और रैम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोगों के पीसी में 8GB रैम होनी चाहिए, और जीपीयू में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ लो स्क्रीन पे आ ही रहा है, और HDD मिनिमम आप लोगों के पीसी में होनी चाहिए 4GB। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है PUBG Lite फॉर पीसी को प्ले करने के लिए यानी कि खेलने के लिए। और अगर आप लोग बेटर एक्सपीरियंस है कि अच्छे ग्राफिक्स में और बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हो इस गेम को, तो दोस्तों आप लोगों के पास वो भी मैंने बता दिया कि कितना होना चाहिए आपके पीसी में स्पेसिफिकेशंस और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि ये PUBG मोबाइल लाइट
पबजी लाइट फॉर द मोबाइल है वो डाउनलोड कैसे करना है ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यार आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों हाँ जी हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को भी वहां पे जाके आप लोग हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।